छत्तीसगढ़िया अस्मिता मंच के बैनर के तले हम लोग आज धरना दे रहे हैं और साथ में सीएम हाउस के लिए मार्च करेंगे। भूपेश बघेल जी ने वो सब वादे किए थे, उसकी पार्टी ने वादा किया था 2018 विधानसभा चुनाव के समय कि हमारी सरकार आएगी तो हम जो है जो प्रशिक्षित गौ सेवक है उनकी उनको नियमित करेंगे, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित करेंगे, किसानों की कर्ज माफ़ी करेंगे। साथ में उन्होंने कहा था किसानों को 4 गुना जो है मुआवजा देंगे जो अधिग्रहण बिल है उसके अंतर्गत। आज 27 गांव के किसान वहाँ पिछले 58 दिन से 60 दिन से आंदोलनरत हैं। उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार जब बनेगी तो जो निवेशक और अभिकर्ता संगठन है, कल्याण संगठन है, उनके उनकी जो राशि है चिटफंड की राशि उसको वापस करेंगे, वो भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। उन्होंने कहा था कि हम नशाबंदी करेंगे, उन्होंने वादा पूरा नहीं किया। बल्कि उन्होंने कहा था कि किसी कर्मचारी की छटनी नहीं होगी, छटनी हुई, प्लेसमेंट बंद करेंगे बोले थे, प्लेसमेंट भी चल रहा है और साथ में प्लेसमेंट के जो ठेका प्रथा है उसको और लागू किया जा रहा है, पीएचई विभाग इसका उदाहरण है। कुल मिलाकर के 36 बिंदुओं में एक भी बिंदु पूरा नहीं हुआ, पूरी तरह पूरा नहीं हुआ। और नरवा गरवा घुरवा बारी के नाम से इन्होंने आज जो गरवा एक शब्द है जिस पर प्रशिक्षित गांव सेवक हैं उनके कल्याण की बात हो ही नहीं रही है और 80,000 करोड़ रुपया व्यय करने की बात करते हैं तो 80,000 करोड़ रुपया कहीं सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का मामला तो नहीं है छत्तीसगढ़ में, जबकि 1,05,000 करोड़ रुपया हमारा जो है पूरे बजट का वर्ष भर का हिस्सा है। तो भूपेश बघेल जी, पूरे छत्तीसगढ़ की जनता आपसे पूछती है कि जहाँ 4 बेटियां और 1 माता 5 लोग ट्रेन की पटरी में जा करके सो करके आत्महत्या कर लेते हैं, उसी कारण से जो आप नशाबंदी का जो है वादा किया था नहीं हो पाया। आपने हाथ में गंगा जल लेकर के कसम खाया था और गंगा जल का माँ का जो है अपमान किया है। ये छत्तीसगढ़ की जनता आपको माफ़ करने वाली नहीं है, जिसके कारण से हम छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं। प्रत्येक कर्मचारी, किसान, जवान, युवा सभी की बात हो रही है और ये मंच आप सबका है जी। जी, सभी संगठन, सभी मंच, पूरा छत्तीसगढ़ एक है इस मंच के माध्यम से। छत्तीसगढ़ की अस्मिता की बात है जी। नाम दिनेश शर्मा, प्रदेश संयोजक जी। मैं रामदुलारी बघेल और निवेशक कल्याण संघ की अध्यक्ष हूँ महिला मोर्चा से। भूपेश बघेल ने जब कांग्रेस अध्यक्ष थे तब हम लोगों से वादा करते थे कि एक बार कांग्रेस सरकार को ला के देखो, आप लोगों की मांगे मैं आते ही पूर्ण करूंगा, निवेशक संघ के जितने भी लोग पीड़ित हैं सबका मैं उद्धार करूंगा, चाहे मुझे टैक्स लगाना पड़े कोई भी क्षेत्र में, मैं अपने छत्तीसगढ़ को बिगड़ने नहीं दूंगा। लेकिन आज तक उन्होंने वादे तो बहुत लंबे लंबे किए, भाषण देते रहे, राशन किसी को नहीं दिए और जब भी हम उनसे मिलने जाते हैं तो नज़रअंदाज करके यहाँ वहाँ कहीं ना कहीं निकल जाते हैं, हम बैठे के बैठे रह जाते हैं। तो हमारे संग कब तक के ऐसी आँख मिचौलियाँ वो करते रहेंगे? वो छत्तीसगढ़ के नेता हैं, छत्तीसगढ़ को संभाल नहीं सकते, छत्तीसगढ़ के लोग ही उनको एक महान शख्सियत बनाए हैं, वो किसके लिए बने हैं, किसका कल्याण करेंगे? आज जितने भी लोग हैं सभी लोग रो रहे हैं, ऐसे लोगों को छत्तीसगढ़ से बहिष्कृत किया जाए। सर मैं नमस्कार, मेरा नाम भेषज प्रसाद पांडे है, मैं गोसेवक और PIW मैथिली का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। हमें 22 साल से सरकार काम रखा जा रहा है और पूरा काम कर रहे हैं, काम के बदले कोई मासिक वेतन नहीं दे रहे हैं, हमें कार्य के मानदेय रह रहे हैं। एक साल में ज़्यादा से ज़्यादा काम 5,000 से 7,000 होता है, उससे ज़्यादा पैसा नहीं होता है। 7,000 में कैसे जीविकोपार्जन करते हैं? एक से छोटे छोटे आंगनबाड़ी है, मितानी ना है, जितने विभाग है सभी को कुछ ना कुछ पैसा देता है। हमको कभी सरकार से कोई मासिक के रूप में कोई पैसा नहीं दे रहा है। हम लोग 22 साल से काम कर रहे हैं, हमको हर महीना निश्चित मासिक वेतन चाहिए और दूसरी चाहिए हमको संविलियन चाहिए। हम लोग हताश हो चुके हैं, हमारे बच्चे कि 22 से 25 साल हो गए हैं, घर से हम गाली दे रहे हैं काहे के लिए नौकरी करने जा रहे हो, मत जाओ बोल रहे हैं, हम हद से ज़्यादा गिर चुके हैं। हमको पूरा घोषणा पत्र में 7 नंबर में किया था कि आपका वायदा मैं पूरा करूंगा और आपको दिलाऊंगा बोला था, और अभी मैं जितना मंत्री हैं, सांसद हैं, सबके साथ हम गए हैं, जा रहे हैं, अनुशंसा लेटर भी लिखाए हैं, लिखा दे रहे हैं, सभी मंत्री को मिले, हो जाएगा बोलते हैं, कोई हमारा काम कर नहीं है। और जब भी हम भूपेश सरकार के पास जाए हैं हमें प्रत्यक्ष मिलने के लिए 3 तारीख से हड़ताल में बैठे थे और 4 जनवरी को हम ख़त्म किए,
उनके पास आज तक जा रहे हैं, उनको एक बार भी मिलने के लिए हम घर जाते हैं ना, मिलने के लिए हम समय तक नहीं दे पाते हैं, अभी तक मिल नहीं चुके हैं, हम उनको ढूंढ रहे हैं। और उसके बाद रविंद्र चौबे जी के पास जाए रहते हैं, हम उनके पास बैठे रहते हैं, गाड़ी निकालते हैं, चले जाते हैं, पर हमारे साथ बात करने के लिए 5 मिनट का समय दे नहीं पाते। हम बहुत परेशान हैं, हम बहुत दुखी हैं, गोसेवक संघ बहुत तकलीफ में है। हमको किसी भी तरफ से दो ही मांग हमारा पूरा है, दो मांग पूरा होना चाहिए सर। भैया, आपने किसानों का नाम लिया जो नया रायपुर में धरना दे रहे हैं, तो वहाँ से प्रतिनिधिमंडल आए हुए हैं जी। सबसे बड़ी हमारी समस्या ये है छत्तीसगढ़ की कि हम समझते हैं कि जब हम किसी सबकी मांग करेंगे जहाँ जिस मंच से, तो हमारा मांग पीछे छूट जाएगा। और इनको भी पता है, जब ये बात करने जाते हैं विभिन्न संगठन मुख्यमंत्री जी के पास में, मंत्री जी के पास में, तो यही कहता है कि आप अकेले नहीं हो, बाकी संगठनें भी हैं जिनका वादा पूरा करना है, तो सब मिल करके जाएंगे। तो क्या भूपेश बघेल जी के पास कोई उत्तर रहेगा कि मैं बाकी संगठनों को भी देने के लिए है, आप ही लोग नहीं हो? कुल मिलाकर के सभी संगठनों को एक होने की आवश्यकता है, उनका नैतिक समर्थन तो हमको। BIW मेटली की बात नहीं सुनेगी तो हम उनको 1 महीना का वादा करते हैं, नहीं तो फिर सरकार के ऊपर लेटर लिखेंगे, कुछ भी, हम आत्महत्या भी कर सकते हैं, कुछ भी करने के लिए हम तैयार हैं। उनके नाम से दावा आपत्ति करेंगे, हमको वायदा किया है, हमारा वायदा नहीं करेंगे तो हम कुछ भी जल समाधि कर सकते हैं, नहीं कुछ आत्महत्या करके उनके नाम से हम FI दर्ज करवाएंगे, पूरा गोसेवक प्रदेश के पूरे सदस्य। अब विचार करिए कि कितने दुखी हैं लोग, क्या स्थिति है। और जैसा इन्होंने कहा है कि मैंने 1.5 लाख लोगों को संविलियन किया है, 1.5 लाख लोगों को, 5 लाख नौकरियां दी हैं, और 80,000 करोड़ रुपया इन्होंने नरवा गरवा गुरवा बारी में लगाया है। तो आखिर जो गौ सेवक हैं, जो गरवा के अंतर्गत काम करने वाले हैं, वो इतने दुखी हैं, उनका वेतन वो दे नहीं पा रहे हैं, मासिक वेतन उनके पास नहीं है, और साथ में संविलियन का जो वादा किया था वो पूरा नहीं हो पाया, तो वो 1.5 लाख किनका संविलियन हुआ है, ये प्रश्न खड़े करने वाली बात है। ये 80,000 करोड़ रुपये करप्शन का विषय है छत्तीसगढ़, इसे ये प्रश्न उठता है कि छत्तीसगढ़ की सरकार ने 80,000 करोड़ रुपया कहीं दूसरे स्थान पर तो नहीं लगाया है, और छुपाने के लिए नरवा गरवा गुरवा बारी का जो प्रोजेक्ट है उसको सामने ला करके खड़ा कर रहा है। ये प्रश्न हमारा जो है छत्तीसगढ़ की जनता से भी है जी। मैं चंद्रशेखर सिंह राजपूत, जिला रायपुर का अध्यक्ष हूँ, और मैं बताना चाहता हूँ कि ये छत्तीसगढ़िया श्वेता मंच पे 36 जो मांग पूरा करने के लिए भूपेश साहब ने वादा किए थे, उसी मंच पे हमारी गौ सेवा प्राय PIW मैत्री संघ, ये पशुपालन के ये मेन अंग है, जो हम लोग भी आज संयोजक दिनेश प्रसाद शर्मा जी अगुवाई में आए हुए हैं। और मैं बताना चाहता हूँ कि विगत 32 दिन तक इसी बूढ़ा तालाब पे हम लोग धरना प्रदर्शन किए थे। आज पशुपालन विभाग में हर कार्य हम लोग कंधे से कंधे मिलाकर करने वाले एक जमीनी स्तर के कर्मचारी हैं, पर हमें नज़रअंदाज किया जा रहा है, जो बड़ी चिंता की बात है। मैं अभी की एक जानकारी दे दूं, 22 तारीख को हमारे एक मित्र जिला जशपुर ब्लॉक कुनकुरी से गौ माता की इलाज करने के लिए जा रहे थे, और रास्ते में कोई अज्ञात वाहन ने उसको ठोकर मार दिया और वहीं पे ही स्वर्गवास हो गया। बड़ी ही चिंता की बात है कि आज ना विभाग आता है हमारे सामने, ना सरकार आता है। 32 दिन के हड़ताल में हमें किसी ने सूद नहीं लिया। आज हमारे लिए स्वास्थ्य बीमा भी नहीं लागू है। आज हमारे कई दुर्घटना हुए, मृत भी हुए हैं। मैं खुद एक उदाहरण हूँ, 2018 में नस्ल सुधार करते हुए आया, मैं कृत्रिम गर्भधान करते हुए मैं गाड़ी से गिर गया और लेफ्ट फ्रैक्चर हो गया। आज मैं 2 से 2.5 साल हो गए मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ, खास करके पर मैं गौ माता की सेवा हमेशा आए हुए हैं, वो इधर उधर ना घूमे, आपके चैनल से जिस कार्य में आप आए हुए हैं उसी कार्य के लिए इधर उधर घूम के अपने समय और वक्त बर्बाद मत करिए, दिया जाए और मंच खाली है पूरा करे, आप सभी खड़े मत रहिए, बैठ जाइए आप अच्छाओं के साथ। मैं आपको जितने भी भाई लोग घूम रहे हैं सब यहाँ पर मंच पे आ जाइए, धन्यवाद। 20-22 वर्षों से, दशकों से कहीं और अधिक वर्षों से पशु चिकित्सा विभाग के अनुसांगिक सेवा देने वाले मैदानी क्षेत्रों के
डिप्लोमाधारी सक्षम संभागीय कार्यालय से डिप्लोमा प्रदत्त संचालनालय से संबद्ध पंजीकृत पशु चिकित्सा कर्मी तथा कथित गौसेवक, हम लोगों की नियुक्ति त्रिस्तरीय पंचायत से वैसे ही हुई है जैसे 98 के पूर्व और 98 तक शिक्षा कर्मियों की होती रही है। सुयोग्य अर्हताधारी हम पशु चिकित्सा कर्मी गौसेवक अपनी कुछ बातें विनम्रतापूर्वक रखना चाहते हैं जी, हाँ विनम्रतापूर्वक रखना चाहते हैं, वो ये कि हम अत्यंत ही सामयिक महत्व के पशु संगणना, राष्ट्रीय पशु संगणना एनिमल सेंसस करने वाले अतिशेष कर्मचारी ही नहीं हैं, बल्कि हम सामयिक महत्व के जो है राष्ट्रीय टीका करने वाले टीकाकर्ता, पशु उपचारकर्ता और जो है पशु उपचारकर्ता टैग टीकाकर्ता और बंध्याकरण आदि बंध्याकरण इत्यादि में अपनी अहम भूमिका निभाने वाले जमीनी कार्यकर्ता हैं। और कोरोना काल में कोरोना काल की तीनों लहर में लहर 1, 2, 3 में अपनी टैग टीका एंट्री के माध्यम से निर्बाध सेवा देने वाले एक समर्पित सेवाकर्मी है। हमें स्थान दिया है। निविदीकरण का विषय है, ठीक है।